भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें ना जाने कितने ही लोगों ने अपनों को खोया था, जिससे आज 40 साल हो गए हैं। इस मौके पर गैस पीड़ितों ने मशाल रैली निकाली और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखा कचरा जाकर मिला और जिससे पानी जहरीली बनना और इसके बाद बच्चे अपने अपंग पैदा हो रहे थे और वहां के रहवासियों को कई प्रकारों की बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे पीछे आप एक मशाल रैली देख रहे हैं। ये उस जगह है जो हमें याद दिलाती है उस रात की, उस दिन की, जब कितनों ने अपने अपनों को खोया था। ये बात है यूनियन फैक्ट्री कार्बाइड में हुए लीक की, गैस लीक की, जो कितने ही अपने को अपनों से जुदा कर गई थी। ये मशाल है एक माँ की गुहार की कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार से गुहार लगा रही है कि इन्हें न्याय चाहिए। दरअसल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो कचरा है वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल रहा है और वो पानी को जहरीला बना चुका है। तो माएं जितनी भी हैं, जितनी भी औरतें उस पानी को पी के वो जहरीला पानी पी रही हैं और उनके कोख से एक अपंग पैदा हो रहा है, बस उस जहरीले पानी के चलते। और ये माओं की गुहार है कि हमें न्याय मिले। ये सरकार से गुहार लगा रही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, इन्हें न्याय चाहिए। ये मशाल कोई आम मशाल रैली नहीं है, ये एक माँ की गुहार की मशाल रैली है। ये जो मशाल आप जला हुआ देख रहे हैं, जो ये मशाल है, इसमें जो आग है वो माँ की गुहार है जो सरकार से लगा रही है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ मैं ज्ञाना चंद्रा, न्यूज 24 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव और उसकी रणनीति को लेकर जिला स्तरीय एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विशेष रूप से संगठन जिला प्रभारी और बीजेपी नेता अनुराग सिंहदेव शामिल हुए। इसमें अनुराग सिंहदेव ने संगठन पदाधिकारियों के अलावा कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष के चुनाव और 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्षों के चुनाव कराने जा रही है, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता और बूथ प्रभारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस संबंध में जिला संगठन चुनाव प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने बताया कि बीजेपी बूथ से लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव दिसंबर तक और जनवरी माह में करनी जा रही है। इसे लेकर समीक्षा की जा रही है। इन स्तरों के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव चल रहा है और उसको लेकर बिलासपुर जिले का आज का संगठन पर्व का कार्यक्रम था, एक कार्यशाला है। और इस वर्कशॉप में हम लोग, जो हमारा बूथ कमेटी, हमारी मंडल की जो कमेटी बनने वाली है, जिले के जो कमेटी बनने वाली है, उसकी रूपरेखा तय कर रहे हैं। सभी स्तर पर निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है और पूरे देश भर में पहले प्राथमिक सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता, अब बूथ से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक के चुनाव होंगे, जिसका एक पार्ट यहाँ पर आज हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, उसी की आज बैठक है।